चीज़ हैं वो उसके अंदर आ जाएँ। और कसूरी मेथी इसकी बहुत अच्छी खुशबू। आप देखेंगे हमारा इसका मसाला कितना खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा। वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज आपके लिए क्या बना रही हूँ, आज आपके लिए दो प्याज़ा मटन दो प्याज़ा बना रहे हैं हैदराबादी स्टाइल में, जो कि थोड़ा सा लेमन डाल के उसको खट्टा करेंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। आज आपके लिए मटन दो प्याज़ा बना रहे हैं, जो कि बहुत फेमस रेसिपी है, आप सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे गोश्त है मेरे पास, मटन का गोश्त है ऑब्वियसली, और ये 1 kg के अंडर है, 775,000 तो 800 ग्राम कह लें इसको। और यहाँ पे मेरे पास 3 मीडियम साइज के प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, 1 लार्ज टमाटर है जिसे 2 हाथ में मैंने किया हुआ है, 2 हरी मिर्चें हैं, और यहाँ पे 2 तेज पत्ता हैं, 2 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, सिनेमन का टुकड़ा है 1/2 इंच का, 10-12 मेरे पास काले मिर्ची के कॉर्न्स हैं, 1 teaspoon ज़ीरा है साबुत ज़ीरा, और 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और यहाँ पे सॉल्ट है टेस्ट के हिसाब से, गरम मसाला है 1/2 teaspoon, 1/4 teaspoon हल्दी है, कश्मीरी मिर्च है 1 teaspoon, 1 teaspoon चिली पाउडर है, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर जो है 1/1 teaspoon है। तो हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे, आप इसे नॉर्मल वैसे भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा मेन मेन इंग्रेडिएंट्स मैं आपको अभी बता दूं और उसके बाद फिर रेसिपी शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने प्याज स्लाइस कर लेने हैं, किसी भी तरीके से काट लें क्योंकि गोश्त के साथ तो ये गली जाने, तो मैं इन्हें लंबा लंबा जैसे नॉर्मल आप करते हैं उस टाइप से इसको, और ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। बस आप इसे इस तरह स्लाइस करते जाएँ, मतलब बड़ा गाढ़ा सा इसका मसाला होता है क्योंकि प्याज डल रहे हैं, टमाटर डल रहे हैं, तो इससे ये बड़ा इसका गाढ़ा सा मसाला रहेगा। टमाटर भी इसी तरह आप किसी भी शेप में काट लें क्योंकि ये तो घुल मिल जाएंगे, उसमें पता भी नहीं चलेगा कि टमाटर डले में। मैंने इस तरह स्क्वेयर्स में कर लिए। ये बड़े साइज के टमाटर हैं जो काफ़ी बड़े हैं, तो ये मैंने 1.5 लिया है इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये हो गया, और साथ ही अब मैं इसमें हरी मिर्ची जो है काट के बारीक बारीक डाल। सो अब मैंने लिया प्रेशर कुकर और उसमें हम डालेंगे 1/2 cup ऑयल, और इसमें सबसे पहले हम क्या शामिल करेंगे, अपने ड्राई जो 2 बे लीफ, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2-3 छोटी इलायची, 1 inch का टुकड़ा सिनेमन का, 8-10 जो है मेरे पास ब्लैक कॉर्न्स हैं, और 1 teaspoon जीरा साबुत ज़ीरा। कुछ नहीं, इनको कड़कड़ाएंगे सबसे पहले हल्का सा, और फिर इसमें प्याज शामिल करेंगे। अब इसमें मैं अपनी कटी हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। अब इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा ब्राउनिश कलर, थोड़ा डार्क कलर नहीं करना। प्याज हमारे ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं, थोड़े से और होंगे तो इसमें हम अपना टमाटर और हरी मिर्चें जो काटी हुई हैं वो शामिल करेंगे, और अब इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च, साथ ही इसमें मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डालूँगी। टमाटर तो भूने हैं, जैसे जैसे हमारे टमाटर और भूनकर जा रहा है इसमें हम स्पाइसी शामिल कर देंगे। हम डाल रहे हैं 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट मैंने 1 teaspoon लिया, रेड चिली पाउडर 1 teaspoon, कश्मीरी मिर्च 1 teaspoon, और हल्दी 1/4 teaspoon। बस इसको 2-3 minutes तक अच्छी तरह से भून लें। जब 3-4 minutes आपके मसाले को भूनते हुए हो जाए, टमाटर ऑलमोस्ट गलने लगे, तो इसमें अब हम अपना जो मीट है मटन का गोश्त है वो इसमें शामिल करें। अब इसको खूब अच्छी तरह से हमने भूनना है, 4-5 मिनट तक इसको भूनने देंगे ताकि सारे इसके जो स्पाइसेस हैं गोश्त के अंदर आ जाएं और अच्छा सा गोश्त भी भून जाए हमारा। तो इसे मैं 4-5 मिनट भूनूंगी।
इनको भूनता जा रहा है। 2 मिनट हो गए हैं, अभी भी इसमें वो कलर नहीं आया जो हमें चाहिए, तो इसको अभी भी भुनाई कर दिया। तो देखिए टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ गल चुके हैं, इसमें भून चुके हैं भुनाई में। अब मैं इसमें 1 कप पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद मैं इसे कवर करके 10 मिनट तक, हर प्रेशर कुकर का डिफरेंट होता है, करना है जब तक आपका प्रेशर कुकर जो है पता हो कि आपका गोश्त गल चुका है। तो इसे करते हैं बंद। चलिए प्रेशर कुकर बंद कर दिया है मैंने, और जब तक हम थोड़ा सा धनिया काट लेंगे, थोड़ा सा अदरक काट लेंगे, और बस फिर आपके साथ रेसिपी को शेयर करेंगे। पूरा फॉगी हो गया स्मोक से। अब मैंने दोबारा से स्टोव ऑन कर दिया और इसको भुनाई करेंगे थोड़ी सी, इसको थोड़ा ड्राई करेंगे ताकि इसका जो पानी थोड़ा सा सूख जाए, वो थोड़ा गाढ़ा सा हो जाए। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू। बस अब इसको थोड़ा भूने ताकि पानी भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। 3-4 मिनट तक भुने के मतलब इसको थोड़ा पकने दें। अब देखें कि इसका कलर कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। साथ ही इसमें मैं फ्रेश लेमन, ये ऑप्शनल है अगर आपको पसंद है तो डालें, 1 टीस्पून मैंने डाला इसमें, थोड़ा अच्छा सा खटास सी इसमें आई, और 1/2 टीस्पून गर्म मसाला वो भी। बस इसके पानी को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे और इसको डिशाउट करेंगे। तो आप इसे देखें कि आफ्टर मैंने जब इसको प्रेशर कुकर को बंद किया, इसमें लेमन और गरम मसाला डालने के बाद इसको 3-4 मिनट लो हीट पर छोड़ दिया, इसके ऑयल सारे ऊपर आ गए। अब मैंने इसे ऑफ कर दिया है और इसे अब डिश आउट करेंगे। आप देखें हमारा खूबसूरत सा 2 प्याज़ा माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और झटपट तैयार हो गया। सुने अब मैं सारा तो नहीं इसमें आएगा, अब इसमें आप क्या करें, थोड़ी सी जिंजर और 2-4 पत्ते उसके हरे धनिया के। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा प्लेटर तैयार हो गया है, उनमें ज़बरदस्त किस्म का पानी आ रहा है। अफ्तारी का टाइम अभी दूर है, लेकिन जैसे ही अफ्तारी होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप देखेंगे हमारा इसका मसाला कितना खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा, और ये बूटियाँ जो कि हम अफ्तारी पे खाएंगे, इतना ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसमें, अदरक और उसकी जो फ्रेश डाला है। अब आप जाके रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और बताया करें आप लोग किस तरह 2 प्याज़ा बनाते हैं। अगर आपका स्टाइल डिफरेंट है तो कमेंट करके बताएं, क्योंकि अब तो हर डिश को आप बीसियों तरीके से बनाते हैं, डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। आप अपनी रेसिपी कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।